वहीं अयोध्या में तारून थाना क्षेत्र के निवासी सियाराम निषाद की हत्या के बाद निषाद समुदाय में आक्रोश काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। दरअसल आरोप है कि गांव का ही एक रहने वाला रामस्वार्थ साहू ने कुल्हाड़ी और डंडे से मारकर उसकी हत्या कर दी थी, लेकिन 3 दिन बीत जाने के बाद भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई। वहीं जिला पंचायत के सदस्य हरीश चंद ने कहा कि अगर आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होती है तो निषाद समाज आंदोलन के लिए मजबूर हो जाएगा और इसकी पूरी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की। थाना तारून क्षेत्र के तकमीनगंज में दिन में 3 बजे के आसपास सियाराम निषाद नाम के व्यक्ति एक रामस्वार्थ गुप्ता है उनके घर के बाहर से गुजर रहे थे। रामस्वार्थ गुप्ता की बूढ़ी माँ चारपाई पर बैठी थी, उन्होंने उनसे अनुरोध किया चारपाई खिसकाने में मदद करने के लिए। सियाराम निषाद मदद कर रहे थे तभी अनायास रामस्वार्थ गुप्ता घर से बाहर निकल कर आए, उन्होंने लाठी से डंडे से उनके सर पर वार कर दिया सियाराम निषाद के। सियाराम निषाद को तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया दौरान इलाज जहां उनकी मृत्यु हो गई है। पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम कार्रवाई कराई जा रही है। सियाराम निषाद के परिजनों से तहरीर प्राप्त करके अभियोग पंजीकृत करने की कार्रवाई की जाए। तो जैसे जब घटना की जानकारी हम लोगों की हुई तो हम लोगों ने यशो साहब से भी बात किया इस टॉपिक को लेकर के, और सैकड़ों की संख्या में समाज के लोग हम लोग पहुँचे वहाँ पर आज। तो वहाँ पर ये स्थिति देखी गई कि गरीब परिवार उसका काफ़ी गरीब है और उसको जो अभी अफवाह की बात कर रहे हैं कि वहाँ पर एक अफवाह बनाई जा रही है कि वो मंदबुद्धि का, ऐसा कुछ नहीं हो, बहुत सातिर है, इससे पहले भी एक दो घटनाएं कर चुका है और समाज में बहुत ज़्यादा आक्रोश है, हम लोगों ने देखा सबके अंदर बहुत ज़्यादा आक्रोश है। तो मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ प्रशासन से, 24 घंटे से भी अधिक हो गए उसका भी कोई सुराग नहीं मिला है, तो हम लोग यही कहना चाहते हैं कि अगर उसकी गिरफ्तारी नहीं होती है तो हम लोग जो है अंतिम संस्कार नहीं करेंगे शव का, और शव को रख करके हम लोग प्रदर्शन करेंगे।